जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान से आकर बसे शरणार्थियों का इंतजार खत्म। डोमिसाइल नियमों की अधिसूचना से खुले नौकरियों के रास्ते। अम्फान तूफान की रफ्तार से केंद्र भी अलर्ट पर। गृहमंत्री अमित शाह की पश्चिम बंगाल और ओडिशा के मुख्यमंत्रियों से बात, हर मदद का भरोसा। कश्मीर में आतंकियों को एक और झटका। श्रीनगर में हिजबुल के दो आतंकवादी ढेर, मार गिराए। आतंकियों में कमांडर सुनैद सहराई भी शामिल है। प्रियंका वाड्रा के 1000 बसों के ऑफर में कांग्रेस की फजीहत। यूपी सरकार को दी लिस्ट में कई नंबर, बाइक स्कूटर और ऑटो के निकले फर्जीवाड़े पर बीजेपी ने घेरा। रेलवे को मजदूरों को लाने और छोड़ने के लिए किसी राज्य की परमिशन अब जरूरी नहीं होगी। जी हां, गृह मंत्रालय की नई गाइडलाइंस में इस बात का जिक्र। दफ्तरों को लेकर स्वास्थ्य मंत्रालय की गाइडलाइन, 2 लोगों में 1 मीटर की दूरी जरूरी है, मास्क लगाकर रखें और हाथ धोते रहें। देश में कोरोना संक्रमितों की संख्या 1 लाख के पार, संक्रमण से 3,163 की मौत, करीब 39,000 से ज्यादा मरीज ठीक। देश में 24 घंटों में कोरोना संक्रमण के 4,970 नए मामले, 134 मरीजों की पिछले 24 घंटे में संक्रमण से मौत। महाराष्ट्र में संक्रमितों की संख्या 35,000 से ज्यादा, 1,249 की मौत। गुजरात में मौत का आंकड़ा बढ़कर 694 हो चुका है। दिल्ली में कोरोना संक्रमितों की संख्या 10,000 के पार, अब तक 168 की मौत। मध्य प्रदेश में 252, बंगाल में 244 और राजस्थान में 138 की मौत। 5 से 6 ट्रेनों के बिहार जाने की अफवाह से मुंबई के बांद्रा स्टेशन पर फिर मजदूरों की भीड़ हो गई। गुस्से में पुलिस पर पथराव, अफवाह उड़ाने वालों की तलाश इस वक्त की जा रही है। दिल्ली के गाजीपुर बॉर्डर पर आज सुबह से फिर जुटी मजदूरों की भीड़। यूपी में अपने घर लौटने के लिए जमा हुए थे प्रवासी मजदूर। कोरोना और लॉकडाउन पर कल सुबह 11 बजे प्रधानमंत्री निवास पर कैबिनेट बैठक होगी। समीक्षा के साथ 20 लाख करोड़ के आर्थिक पैकेज पर चर्चा। यूपी के संभल में समाजवादी पार्टी के नेता और उनके बेटे की हत्या, खुलकर फायरिंग करते दिखे आरोपी, पुलिस ने 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार। नेपाल के निर्णय नक्शे में भारत के 3 हिस्सों को अपने इलाके में दिखाया, कैबिनेट की मंजूरी। विदेदी नेपाल की राष्ट्रपति ने कहा वापस लेने की कोशिश करेंगे। कोरोना संक्रमण पर 62 देशों की चेतावनी से बैकफुट पर है चाइना, जांच में सहयोग को हुआ तैयार लेकिन कहा जांच का ही सही वक्त नहीं है। अमेरिका के पहले वैक्सीन mRNA-1273 का इंसानी ट्रायल सफल, शरीर से उम्मीद से अच्छी इम्यूनिटी बढ़ी है और साइड इफेक्ट्स भी बहुत मामूली है। WHO को ट्रंप की ट्रिपल धमकी, फिर कहा फंडिंग रोक देंगे, चीन की कठपुतली भी बताया और कोरोना पर WHO के रूल की स्वतंत्र जांच का समर्थन किया। दुनिया में कोरोना संक्रमितों की संख्या 48 लाख के पार, 3,19,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है, इलाज से ठीक होने वाले भी 18 लाख से ज्यादा है। नो सिग्नल नो वरी प्रेजेंटिंग जी न्यूज ऐप विद लाइव टीवी, लेटेस्ट अपडेट्स एंड एक्सपर्ट ओपिनियन, अवेलेबल ऑन गूगल प्ले एंड ऐप स्टोर। डाउनलोड इट नाउ।